नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, 4 मई 2020 के लिए यहां पर हम लोग निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा क्या लेवल निकल के आ सकता है। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे नए चैनल जो बाजार हाट न्यूज चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बैंक निफ्टी, हैवी बेट स्टॉक्स एनालिसिस, 3 स्टॉक्स अलग से इंट्राडे के लिए देता हूँ, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस, वीकली पिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को पाने, देखने, समझने के लिए बाजार हाट न्यूज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अजंता फार्मा। देखिए, अजंता फार्मा का ये डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट पे तो बहुत सुंदर दिखा रहा है हमें कि ये अब रेजिस्टेंस ले रहा है। फिलहाल आप देखिए अजंता फार्मा को, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखें सेम डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है ना। इसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप बोलते हैं। तो डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बना के ऊपर में रखा हुआ इसने, अब इसको ब्रेक करे तो ही मजा है, ब्रेक नहीं करेगा तो हो सकता है ये आपको, जैसे यहाँ से ये नीचे आया वैसे हो सकता है यहाँ से ये फिर नीचे आ जाए, है ना। तो पोजीशन हमारे लिए बाय का पोजीशन 1550 के ऊपर बनेगा, 1550 के ऊपर बनेगा तो आपको 1600 तक के टारगेट और 1650 तक मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे गलती से भी दोस्तों ब्रेक कर जाता है 1460 को, 1450 को, वीक हो जाएगा। और वीक होने का मतलब है कि ये लेवल 1400-1350 तक आते हुए में टाइम नहीं लगाएगा, तुरंत आ जाएगा। और फार्मा अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो सही दिन है, ब्रेकआउट दे सकता है, अभी तक मैं दे देना चाहिए था लेकिन मुझे लग नहीं रहा है अब इसका लक्षण ब्रेकआउट वाला। ऊपर की साइड में जब तक ये ब्रेक नहीं करे, ध्यान रखिएगा, और फार्मा कुछ भी कर सकता है। ऊपर की साइड में 640-645 का एक ब्रेकआउट आना मांगता है इसको। अगर ये 640 या 45 ब्रेक कर देता है तो एक टारगेट अच्छा खासा आपको 670 से 680 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और फार्मा में। नीचे अगर ये 600 को ब्रेक करता है वीक हो जाएगा, फिर ये अपने पुराने सपोर्ट 560 के पास आने की कोशिश करेगा। बायोकॉन, चलिए बायोकॉन अभी दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन में बायोकॉन ट्रेड कर रहा है। आप अगर इसका वीकली चार्ट देखिए बायोकॉन, तो वीकली चार्ट आप पाएंगे कि बिल्कुल बायोकॉन उस लेवल को, पिछला जो वीकली वाला था यहाँ जो इसने बना था 28 सितंबर 2018 को, उस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहा है। यानी कि इसका जो प्राइस है अभी ये 360 रुपये का प्राइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के सामने में वीकली चार्ट पे आ रहा है। तो 360 के ऊपर जब तक ये क्लोज ना कर दे 1 से 2 दिन, तब तक मजा नहीं है। 360-70 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये 400 तक के भी टारगेट बायोकॉन आपको दिखा सकता है। कैडिला हेल्थ केयर, देखिए इसके लक्षण क्या बन गए, इसके लक्षण तो बिल्कुल डाउन है। एक जैसा बनाया है एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ ऊपर से चला आ रहा है, एकदम कहीं रुकने का नाम नहीं, थमने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यू है ना। ग्रीन कैंडल बनाता है बीच बीच में, पर ट्रेंड जो है इसका निगेटिव है। ट्रेंड क्या है इसका, निगेटिव। ऊपर की साइड में 340 को जब तक ब्रेक ना करे कोई लॉन्ग पोजिशन बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों यहाँ बता दूं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, ट्रेड करने से पहले अपने फैंसी एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें, 340 के ऊपर निकले तो 360 तक का एक टारगेट दे सकता है, नीचे अगर ब्रेक करता है 310 को तो ये वीक हो जाएगा दोस्तों, फिर ये 290 तक के लेवल दिखा सकता है। कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला एक रेंज में, कहीं नहीं जा रहा है सिप्ला। ये देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ है और उसके बाद ये रुक गया है ना, तो ये लेवल के बीच में जब तक रहेगा ना हमें ट्रेड नहीं करना, इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं बनेगा। इस लेवल के बीच में जब तक रहेगा कोई काम नहीं करना, पोजीशन हमें 625 के ऊपर बनाना है 650 के टारगेट के लिए। सेल का पोजीशन हम लोग 560 के नीचे बनाएंगे 500 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ये तो दिक्कत है। ये इसने ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, अगर ये सस्टेन कर जाता तो अच्छी बात है। अब इसके बाद नीचे एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है 3800 का राउंड नंबर में। अगर ये 3800 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है वीक हो जाएगा, 3600 का टारगेट दे सकता है सेल साइड में डॉक्टर रेड्डी। ग्लेनमार्क 360 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बनेगा, टारगेट 400 के आसपास का हो सकता है, लेकिन 360 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 330 को तो वीक हो जाएगा, 315 तक के टारगेट दे सकता है। लूपिन काफी अच्छा मूवमेंट किया इसने लॉकडाउन वाले कंडीशन में, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया दोस्तों 17 मई तक बढ़ा दिया गया, जैसा कि आप लोगों को पता है। अभी भी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, अब देखिए क्या होता है मंडे को।
हो सकता है थोड़ा आपको निगेटिव साइड जाता हुआ दिख सके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 900 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा लुपिन, हम लोग नया पोजिशन नहीं लेंगे बाय साइड में, और सेल करेंगे 800 के नीचे। जब 800 के नीचे आ जाएगा तो फिर हम सेल करेंगे, टारगेट हमारा 700 तक का हो सकता है, 730 से लेके 700 तक का। PEL, देखिए PEL पे दोस्तों एक पोजिशनल वीडियो मैंने बना के डाला है। अगर उस लेवल 1000 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देना तो मजा आ जाए, 1000 के लेवल 1000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मजा आ जाएगा, फिर 1100 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है PEL। सन फार्मा अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, नो ट्रेडिंग जोन में है सन फार्मा, कोई ट्रेड नहीं करेंगे इसको, अवॉइड करके चलेंगे। इसाइज फार्मा, इसको नजर रखेंगे, अगर एक बार ये 450 के ऊपर फिर से सस्टेन करना शुरू हो जाए 450 के ऊपर, तो एक बार ये 470 तक जा सकता है, लेकिन अगर ये 430 नीचे गिर गया, 430 के नीचे, तो ये 400 तक के लेवल दे सकता है। डिवीज लैब, बहुत अच्छे पैटर्न में डिवीज लैब बैठा हुआ है, रेंज बाउंड है इसका, ये दो तरफ का एक रेंज बना कर रखा है। नीचे 2280 को ब्रेक करता है तो नीचे 2200 तक के लेवल देगा, ऊपर अगर जब तक 2490 को ब्रेक ना करे या राउंड फिगर में 2500 को, बाय का पोजिशन सोचना भी नहीं है। तो दोस्तों ये था फार्मा स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू, अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।